अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव रेवाड़ी शहर के बाल भवन परिसर में गीतापुरम के रूप में सुसज्जित स्थल के साथ अध्यात्म कला ज्ञान व सांस्कृतिक के समागम को समर्पित होकर शोभायान रहा। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक विधा के रूप में जहां गीता ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुई, वहीं सरकार की जनहितकारी नीति व योजनाओं की जानकारी लोगों तक प्रदर्शनी के माध्यम से पहुँचाई गई। सूचना एवं भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग हरियाणा व जिला प्रशासन रेवाड़ी की संयुक्त भागीदारी के साथ आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा किया गया। गीता जयंती महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार मौजूद रहे। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के ओवरऑल इंचार्ज ADC रविंद्र पाटिल ने 2 दिवसीय महोत्सव की रूपरेखा से अवगत कराया। महोत्सव में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने गीतापुरम में विविध रूप से रिबन काट कर सूचना एवं भाषा विभाग द्वारा सहित विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई अंत्योदय एवं जन कल्याण को समर्पित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए अवलोकन किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित अन्य विशिष्ट एवं गणमान्य व्यक्ति सांस्कृतिक मंच पर गीता पूजन करते हुए एवं दीप प्रज्वलन कर गीता जयंती महोत्सव का भव्य एवं गरमामयी ढंग से शुभारंभ किया। गीतापुरम में आयोजित गीता महोत्सव 2023 पूर्ण रूप से गीता के 18 अध्याय व प्रदत्त शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें आमजन को गीता से आधारित बेहतरीन प्रस्तुति सांस्कृतिक मंच में देखने को मिल रही है। जिलावासियों ने गीतापुरम में पहुंचकर महोत्सव का आनंद लिया। बहुत अच्छी अच्छी प्रदर्शनियाँ देखने को मिली। आकलन होता है इस विभाग में इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं, जो धरातल पे चीजें उतर रही हैं। हमारे DO साहब भी बैठे हैं, DWO साहब भी बैठे हैं, तो सभी सम्मानित। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री कहूंगा, अब उन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि को पहचाना, क्योंकि कुरुक्षेत्र भूमि ही थी जो द्वापर में पूरी दुनिया को भगवान श्री कृष्ण का संदेश देने का काम ये हरियाणा की भूमि से हुआ है। वैसे तो अनेक अभिचरणों से हमारी ये भूमि प्रदान रही है देश के लिए, क्योंकि आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बंदाव भी यहीं के रिश्तेदार थे। रेवाड़ी भी अपने एक ऐसे महाभारत कालीन युग को समेटे हुए हैं